हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ नोकिया प्योर बुक S14 लैपटॉप, जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था। जैसे देख सकते हैं इसकी बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो मैं आपको पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा, ये मुझे कितने का पड़ा, इसके अंदर इसके स्पेसिफिकेशंस और इसमें क्या क्या खासियत है, इसके बॉक्स पैकिंग में क्या क्या है, और फर्स्ट हैंड्स ऑन रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, उस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के अनबॉक्सिंग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यह फ्लिपकार्ट का बॉक्स, तो बहुत ही फास्ट डिलीवरी, और ये मैंने बिग बिलियन डे के पहले ही मंगा लिया था। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ही बॉक्स को ओपन करूंगा, तो इसके अंदर एक और बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे नोकिया की ब्रांडिंग है और इसका जो मॉडल है प्योर बुक S14, ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पे बिग बिलियन डे का स्टिकर है और यहाँ पे इंटेल i5 प्रोसेसर। तो चलिए मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है और इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ये भी मैं बता देता हूँ। हालांकि इसको मैं बॉक्स को अनबॉक्स कर चुका था। इस तरह से बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है यूजर गाइड, नोकिया की यूजर गाइड, और इसमें एक OTG अडेप्टर है। उसके बाद ये मेरे ख्याल से इसके अंदर पावर अडेप्टर होगी, ये पावर अडेप्टर। ये एक्चुअली है 57 वॉट और 3 एम्पियर आउटपुट की ये पावर बैंक है, BSY। ये नोकिया का ओरिजिनल तो नहीं है, BSY की है। तो इसको साइड में रखते हैं। और इसके साथ ये इसका अडैप्टर है, ये पावर ब्रिक और ये चार्जिंग केबल, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और ये है इसका मेन यूनिट, यानी कि नोकिया ब्रांड का लैपटॉप। और इसको मैं, इसकी बॉक्स को मैं साइड में रखता हूँ। और ये है इसका प्राइस रिसीट, जो मुझे 33,468 रुपीज़ में है, ये मुझे मिला था डिस्काउंट के बाद। इस बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या कंटेंट मुझे रिसीव हुए हैं। इसकी पन्नी को मैं हटा देता हूँ। लैपटॉप, चार्जिंग केबल, चार्जिंग अडेप्टर और ये यूजर गाइड। ये मतलब कि बॉक्स के साथ मुझे ये रिसीव हुआ, ठीक है। अब मैं इसके चार्जिंग केबल को साइड कर देता हूँ और लैपटॉप ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रही लैपटॉप, ये मैट ब्लैक में है। इसकी मैं फिजिकल ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नोकिया की ब्रांडिंग है। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे पावर इंडिकेटर है, यहाँ पे PC प्लग है, ये HDMI पोर्ट है, ये टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे TF कार्ड स्लॉट है। और लैपटॉप के राइट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो एक 3.5 इंच हेडफोन जैक, ये 3.0 USB पोर्ट, और यहाँ पे एक कैमरा शटर दिया, सिक्योरिटी कैमरा को ऑन और ऑफ करने के लिए शटर दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके बैक साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एक ये वेंटिलेशन दिया हुआ है, थर्मल वेंटिलेशन। और इसकी जो बैटरी है, नॉन रिमूवेबल बैटरी है। यहाँ पे कुशन दिया हुआ है, यहाँ पे लंबा कुशन, यहाँ पे दो कुशन दिए हुए हैं। और ये SSD स्लॉट है जो कि सील्ड पैक है। चलिए यहाँ पे फ्रंट साइड में दिखा देता हूँ उसको ओपन करके, और देखते हैं ये वन फिंगर एक उंगली से ये ओपन हो पाता है कि नहीं। जी हाँ, एक उंगली से ये ओपन हो चुका है।
यहाँ लैपटॉप को मैंने ओपन कर दिया और इसके कवर को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे बड़ा सा ट्रैक पैड है, यहाँ पे इंटेल कोर i5 का स्टिकर है, ये कीबोर्ड चिकलेट वाला कीबोर्ड है, ये देखिए ये लैपटॉप का फुल साइज कीबोर्ड जो कि चिकलेट बेस्ड है, और ये हालांकि बैकलिट नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, डॉल्बी एटमोस भी सपोर्ट करता है, और पावर ऑन ऑफ बटन यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, ये इसके बेजल बहुत ही थिन है, यहाँ पे एक वेबकैम है और एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है। इसका जो साइज है 14 इंचेस का है, और ये मेरे ख्याल से IPS LCD नहीं है, IPS LED पैनल है, और ये फुल HD यानी कि 1080p स्क्रीन साइज है। ठीक है, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ और आप देखिएगा कि कितनी फास्ट ये बूट होता है। देखिए ये कितना फास्ट बूट हुआ है, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:53, आज संडे 25 सितंबर है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, हालांकि मैं इसको ओपन कर लिया था, यहाँ पे मैं पिन दे देता हूँ, और यहाँ पे मैंने बैटरी को पहले ही चार्ज कर लिया था। कल मैंने बैटरी चार्ज किया था 0 to 100%, ये चार्ज होने में लगभग 2 घंटे 15 से 20 मिनट का समय लगा था। ये इसका स्क्रीन क्वालिटी है, और यहाँ पे मैं आपकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस नेम प्योर बुक S14, 11th जनरेशन, इंटेल i5, कोर i5, 2.4 GHz की CPU है, और रैम 16 GB DDR4 की है। और यहाँ पे नीचे की ओर अगर मैं स्क्रॉल करूँगा, आप देख सकते हो विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज वर्जन 21H2, और 28 सितंबर 2021 का इंस्टॉलेशन है। तो ये रहा इसका फिजिकल ओवरव्यू। अब मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ इसका जो वीडियो क्वालिटी है कैसी है। तो यहाँ पहले से ही मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है, और इसमें बैटरी परसेंटेज अच्छा है, 60% रिमेनिंग है। मैंने इसमें वीडियोस भी देखे थे, मैं इसका साउंड आउटपुट भी आपको दिखा दूंगा। तो चलिए मैं इसकी साउंड आउटपुट से थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे YouTube ओपन किया, यहाँ पे मैं इसको साउंड फुल कर देता हूँ, इसकी साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं। साउंड क्वालिटी जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही लाउड है, बहुत ही क्लियर। मैं आसूस का वीवो बुक में भी इस तरह का साउंड आपको देखने को नहीं, मतलब सुनने को नहीं मिलेगा। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं इसकी वीडियो क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो, और इसके मैं व्यूइंग एंगल भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा तिरछा करूँगा तो भी इसकी व्यूइंग एंगल बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं इसको थोड़ा तिरछा भी करूँगा तो इसमें बैक जो ब्लैक ब्लैक आते हैं LCD स्क्रीन में, वो नहीं आएगी। और इसको मैं थोड़ा सा टिंट करता हूँ तो भी देखिए इसकी व्यूइंग एंगल बहुत ही खूबसूरत है। इसमें आपको एक एक डिटेल मिल जाएगा। और ये मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट के जरिए, 19 सितंबर 2022 को परचेज किया था, और ये मुझे रिसीव हुआ 23 सितंबर को, और जो बंदा आया था इंस्टॉलेशन के लिए वो एक दिन बाद ही आ गया था। और इसकी फ्लिपकार्ट की सर्विस बहुत ही बेहतरीन है। मेरा कुछ इश्यू हो रहा था तो मैंने कस्टमर केयर को भी कॉल किया था, तो कस्टमर केयर ने अच्छी तरह रिस्पॉन्ड किया। तो फ्रेंड्स, ये अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।